कैपिटल मार्केट। नाउ सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जो फिनेंशियल मार्केट है, ठीक है, फिनेंशियल मार्केट को दो भाग में बांटा जाता है, जिसमें एक शॉर्ट टर्म मार्केट है जिसको मनी मार्केट बोलते हैं, मनी मार्केट जो 1 साल के अंदर का मार्केट है, और 1 साल के ऊपर का जो मार्केट है उसको हम बोलेंगे कैपिटल मार्केट। सो हम कैपिटल मार्केट अभी देख रहे हैं जो कि फिनेंशियल मार्केट का एक भाग है, ठीक है। सो इट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग और इनडेफिनेट मैच्योरिटी। इन सिंपल लैंग्वेज, इट्स अ मार्केट फॉर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। तो आई होप अंडरस्टैंड, इट डील्स विद लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, ये सब में डील करता है, मोर देन 1 ईयर। सो कैपिटल मार्केट को हम तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, दूसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, और तीसरा लॉन्ग टर्म लोन्स मार्केट। अभी एक-एक करके इसको हम देखेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, जैसे नाम बताता है, ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज जैसे कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर या बॉन्ड्स, जहां पे इंडस्ट्रियल कंसर्न्स कंपनीज अपना कैपिटल रेज करते हैं या कर्जा लेते हैं बाय इशुइंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट। अप्रोप्रिएट क्यों बोला है? जब नया कंपनी है तो वो प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू कर सकता, वो क्या इशू करता है? इक्विटी शेयर्स। तुम बाद में प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, स्टार्टिंग में इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर स्टार्टिंग में इश्यू नहीं कर सकते। तुमको बाद में डिबेंचर्स इश्यू करना है तो करो, बट नया कंपनी रहा तो तुमको क्या इश्यू करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर्स। जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट है, ठीक है, इसको तुम ऐसा चार्ट भी बना सकते हो, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट जो है उसको तुम फर्दर दो पार्ट्स में बांट सकते हो, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट, ऐसे दो भाग में बांट सकते हो। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज प्राइमरी और न्यू इश्यू मार्केट। मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। आई थिंक सुला विनेयार्ड्स जो कंपनी है, नासिक का नंबर वन वाइन मेकर, नासिक का नहीं, इंडिया का, वो आईपीओ लाने वाला है, करेक्ट? तो जब आईपीओ क्या होता है, जब इनिशियल पब्लिक ऑफर इसका फुल फॉर्म है, जब एक कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लाती है उसको क्या बोलेंगे? आईपीओ। सो ये न्यू इश्यू मार्केट हुआ, जो कंपनी पहली बार शेयर्स मार्केट में ला रही है। ऑफ कोर्स पहले उसको प्रोसीजर पूरे करने पड़ेंगे, सेबी के पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मीटिंग्स होगा, डिस्कशन होगा, फैसले होंगे। सो न्यू इश्यू या नए कर्जे, इसको न्यू इश्यू मार्केट भी बोलते हैं। ये एक ऐसा टाइप ऑफ मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज पब्लिक को इश्यू किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम। इन द प्राइमरी मार्केट, बोरोअर्स एक्सचेंज न्यू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। जैसे तुम्हारा जोमेटो को आया था, बराबर है, जोमेटो को आया था, पेटीएम का आया था, सबवे का आया था, ये आईपीओ ये लोग लाए थे, पतंजलि का आया था, ये सब कुछ 1-2 साल पहले, पतंजलि का आया था। तो ये जो प्राइमरी और न्यू इश्यू मार्केट है, इनको अलग अलग भाग में बांटा गया है। पहला है पब्लिक इश्यू,
जो बाजार में सबसे कॉमन मेथड है, अभी सोलह विनियर जिसमें एंटर करने वाला है, राइट्स इश्यू जैसे कि कंपनी के ऑलरेडी 100 इक्विटी शेयर मौजूद है, ठीक है, तुमको और नया 100 शेयर लाना है, तो ये नया 100 शेयर तुम लोग पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर देंगे, ये तुम्हारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, इनको ऑफर देना पड़ेगा कि विल यू बाय द शेयर्स। सो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने हाँ बोला तो तुम्हारा शेयर कैपिटल 200 हो जाएगा, वरना उसके बाद ही तुम पब्लिक जा सकते हो। सो जो नया इश्यू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, राइट्स इश्यू, करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद तुम्हारा आएगा प्राइवेट प्लेसमेंट। जब तुम अपने शेयर्स सिक्योरिटीज प्राइवेटली या स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को देते हो, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कुछ हिस्सा जो आई थिंक जियो का किसको किसको दिया था, एक कुछ फेसबुक है, कुछ गूगल है, कुछ सऊदी अरेबिया के ग्रुप है, अमेरिका के ग्रुप है, इन लोग को दिया है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। ये था तुम्हारा प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट या शेयर बाजार उसको बोलेंगे जहां पे सेकेंडरी सेल होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का ही नहीं एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, शुरू हुआ था 1875 को, पांच गुजराती पेड़ के नीचे ये बेचते थे। तो सिक्योरिटीज है ऑलरेडी पास टू द न्यू इश्यू मार्केट, जो ऑलरेडी आईपीओ में हो चुका है। आईपीओ में बिकने के बाद जैसे कि सुला विनियर्ड्स अभी शेयर बाजार में नहीं बिकेगा, पहले वो पब्लिक में आईपीओ लाएगा, सुला को पैसा मिलेगा, शेयर्स अलॉट होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा ये स्टॉक एक्सचेंज में। जिस दिन खरीदी बिक्री शुरू होगा सुला का शेयर बाजार में, उसको क्या बोलते हैं, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, करेक्ट। तो द मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अपने इंडिया में करीबन 23 स्टॉक एक्सचेंजेस है, जिसमें सबसे मेन दो माने जाते हैं, बीएसई और एनएसई, ये दो माने जाते हैं, जो कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उनके लिए जो कायदा लागू होता है वो कौन सा है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 56 का कायदा लागू होता है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे प्रिंसिपल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके दम पर बाकी स्टॉक एक्सचेंज फॉलो करते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, करेक्ट। सो ये सेकेंडरी मार्केट था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे गिल्ट एज सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज का खरीदी बिक्री होता है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों है। लॉन्ग टर्म जो 1 साल के ऊपर है, शॉर्ट टर्म जो मार्केट है जो मनी मार्केट में हम देखेंगे उसमें खास करके टी बिल्स जो है गवर्नमेंट लाता है फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 182 डेज तक ला सकता है गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये जो लॉन्ग टर्म है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सिटी कॉर्पोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊ नाबार्ड के बॉन्ड्स आ सकता है इसमें, ऑयल बॉन्ड्स आ सकता है, डिफेंस बॉन्ड्स आ सकता है, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स आ सकता है। सो अलग अलग बॉन्ड्स नॉर्मली इसमें रोज होते हैं, ठीक है। 100 रुपए का एक सिक्योरिटी होता है। सो इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, और सर्टेन सिक्योरिटीज नॉट ऑल कैन कैरी टैक्स एग्जम्पशन ऑल्सो, तुमको चेक करना पड़ेगा वो सिक्योरिटीज टैक्स एग्जम्पशन में है कि नहीं। ब्रोकर्स का रोल बहुत लिमिटेड है क्योंकि गवर्नमेंट का है, ज्यादातर तो कमर्शियल बैंक्स इसमें डील करते हैं। उनके एसएलआर रिक्वायरमेंट, स्टैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, हर बैंक को अपने पास, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये एसबीआई है, ये कस्टमर है, ये पैसा बैंक में जमा करता है, ठीक है, 100 रुपया, तो इसमें से करीबन 20 रुपया उनको अपने पास लिक्विड कैश के तौर पर रखना पड़ता है। उस लिक्विड कैश को ये बोलते हैं स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, 19.5-20 के आसपास ये रहता है। वैसे
23-24 तक भी गया है। तो ये 20 रुपया लिक्विड रखने के लिए वो बल्बल इन्वेस्ट कर सकता है इन दिस गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज कायदे पूरे करने के लिए। सो ज्यादातर तो कमर्शियल बैंक ही लेते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्यों नैरो है, इसका ब्याज दर कितना होगा? सिंस सोवरेन गारंटी आता है, जब गवर्नमेंट इश्यू करता ही है तो सोवरेन गारंटी मतलब ये डूबेगा नहीं, गवर्नमेंट का गारंटी रहता है। और जहां पे गवर्नमेंट का गारंटी रहता है 5 से 6% का ही ब्याज रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 8% रहेगा उसके ऊपर रहेगा भी, करेक्ट। सो ये इसलिए तुमने बहुत कम सुना होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की आम जनता नहीं खरीदती। शायद तुमको बैंक एफडी उतना ही दे, ठीक है ना, तो वो इतना नहीं चलता। स्टॉक सर्टिफिकेट, प्रॉमिसरी नोट, बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, बहुत प्रकार से गवर्नमेंट इसको इश्यू कर सकती है। फिर लॉन्ग टर्म तीसरा प्रकार जो है, जो कैपिटल मार्केट का, उसमें लॉन्ग टर्म लोन मार्केट है जिसमें टर्म लोन्स। नाउ ये जो टर्म लोन है नॉर्मली 7 to 10 years के बीच के लिए रहता है पीरियड, इंडस्ट्रियल फिनेंसिंग के लिए रहता है ज्यादातर, ये मशीनरी और कंपनी के प्लांट बिल्डिंग खरीदने के लिए रहता है। इसमें मेन जो संस्था है IRBI, IFCI, ये लोग एक्टिव है। नॉर्मली कमर्शियल बैंक्स एक्टिव नहीं है, इंडस्ट्रियल फिनेंस जो सॉरी एक्सक्यूज मी, इंडस्ट्रियल जो फिनेंस ग्रुप है, इंडस्ट्रियल फिनेंस देने वाले ऑर्गेनाइजेशन है वो रहते हैं। सो दिस फिनेंस इंस्टीट्यूशन मीट द ग्रोइंग एंड वैरिड नीड ऑफ लॉन्ग टर्म डिमांड ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि जब एक इंडस्ट्री अप्रोच करेगा बैंक को, वो 2-3 करोड़ नहीं करेगा, सीधा 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ करेगा। सो ये लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स को जो पैसा चाहिए वो फंड करते हैं। सो दैट्स अ टर्म लोन मार्केट, शुरुआती फिनेंस का ये मेन मार्केट। मॉर्गेजेस मार्केट, ये इंडिविजुअल कस्टमर्स ज्यादातर इसमें आते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल कस्टमर्स। और ये जो गिरवी रखते हैं तुम मॉर्गेज के तौर पर, ठीक है। सो अ मॉर्गेज लोन, ये ऐसा लोन है जहां पे तुम गिरवी रख रहे हो, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक रियल एस्टेट, और वो गिरवी लेके ले रहे हो। वैसे ये काफी हद तक सेफ रहता है क्योंकि सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो तुम बेच सकते हो, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के दम पर जो लोन दिया जाता है, अब कैसे होता है, तुमने एक घर खरीदा से 50 लाख का, ठीक है, और तुमने लोन लिया 30 लाख का, और तुमको 1 साल बाद लोन की जरूरत है। अब उस प्रॉपर्टी की कीमत हो गई है 60 लाख, ठीक है। तो हो सकता है कीमत बढ़ गई है, तो 60 लाख का तुमको 30 पहले से दे चुके हैं, तो और 10 लाख ऊपर का भी लोन मिल सकता है तुमको, 8 से 10 लाख, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है फर्दर जो तुम मॉर्गेज करते हो। सो इक्विटेबल मॉर्गेज या अलग अलग प्रकार के मॉर्गेज रहते हैं। इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है, तुम मेयर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स टू प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी। क्या होता है कि इक्विटेबल मॉर्गेज इज क्रिएटेड बाय मेयर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स टू प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी, वेयर एज इन केस ऑफ लीगल मॉर्गेज द टाइटल इज लीगली ट्रांसफर्ड टू द लेंडर बाय द बोरोअर। नाउ कैसे होता है कि तुम सिर्फ टाइटल डीड्स जो प्रॉपर्टी वो सबमिट करते हो, और लीगल मॉर्गेज में तुम नाम उसके कर देते हो। जैसे कि जब तुम कार लोन लेते हो, ठीक है, तो नॉर्मली वो हायर परचेज में रहता है। हायर परचेज एक कैसे वर्क करता है, सपोजिटली सेवा एक कंपनी है, तुम एक कस्टमर हो, बैंक एक्सिस बैंक है, ठीक है, ये हंस रहा है, एक्सिस बैंक ने तुमने एक्सिस बैंक को अप्रोच किया, एक्सिस बैंक ने सेवा को चेक दे दिया, ठीक है, कार का, तो एक्चुअली कागजात एक्सिस बैंक के नाम पर हो, टाइटल एक्सिस। जब तुम पूरा 5 साल बाद हफ्ता लौटा दोगे तो एक्सिस बैंक तुम्हारे नाम पे कर, तब तक वो एक्सिस बैंक मालिक है। सो तुमने जो टाइटल है वो एक्सिस बैंक का है, जबकि होम लोन में तुम
कागजात बैंक के पास सबमिट कर। सो तुमको चेक करना पड़ेगा लोन कौन सा प्रकार का है, उससे तुमको अंदाजा आएगा। और यदि तुम प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन मॉर्गेज करते हो, ये सेकंड चार्ज हो जाएगा। मैंने बोला ना सेकंड चार्ज, एक घर का तुम एक्सटेंशन वर्जन कर सकते हो चाहिए तो। और इस कई सारे इसमें दायरे हैं। यदि मैं इसका इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर करो, मॉर्गेज मार्केट तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों में चलता है। इसमें सबसे फेमस गोल्ड का है, गोल्ड लोन मार्केट, क्योंकि बैंक्स को पता है कि घर गिरवी रखा और सामने वाला पैसा नहीं दे पाया तो घर बेचना आसान नहीं है। नया घर बिकता जल्दी है, लेकिन जब बैंक ऑक्शन करता है, ठीक है, जब सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है और घर की वैल्यू 50 लाख है, जब बैंक उसको ऑक्शन करता है तो लोग शुरुआत करते हैं बोली लगाने का 30 लाख से, तो उसमें कीमत आधे से भी कम फिर आता है। तो गोल्ड क्या है, मार्केट वैल्यू में तुरंत बिक सकता है, ऑक्शन में उसमें भी कम आता है। यदि 50 हजार का गोल्ड का मार्केट वैल्यू है, ज्यादातर तो गोल्ड ज्वेलरी शॉप वाले ही आते हैं खरीदने, तो वो 40-45 में बिक जाएगा, तो भी बैंक का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने जब कर्जा दिया होगा 50 हजार मार्केट वैल्यू, तो उन लोगों ने 35 दिया होगा, ठीक है ना। ये जो टाइप ऑफ मार्केट है, इसमें रेसिडेंशियल मॉर्गेजेस सबसे कॉमन है। एचडीएफसी ये जो कर्जा देते हैं ना, मेन पेपर्स किसके पास रहते हैं, बैंक के पास रहते हैं। और फिर फिनेंशियल गारंटी मार्केट, गारंटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो बहुत रिस्की भी रहता है। मैं तुमको बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है, एक लाइव केस बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तौर पर तुमको कुछ 2 लाख रुपए का कर्ज मिलता है, तो मिस्टर ए ने कर्जा लिया, लेकिन उसको गारंटी देना पड़ता है, मिस्टर बी गारंटी देता है। मिस्टर ए ने कर्जा नहीं लौटाया तो मिस्टर बी को भरना पड़ेगा। होम लोन में भी एक गारंटर रहता है। होम लोन में सपोजिटली मिस्टर बी गारंटर है, ठीक है, तो इन केस ए नहीं भर पाता है तो गारंटर बाद में नहीं बोल सकता कि मैंने बोला ही नहीं था, क्योंकि गारंटर की साइन बाकायदा आता है। सो इन इन केस द बोरोर फेल्स टू रिपे द लोन, ठीक है, द लायबिलिटी फॉल्स ऑन द शोल्डर ऑफ द गारंटर, तो फिर गारंटर को भरना ही पड़ेगा, वो भाग नहीं सकता और मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ओरिजिनली साइन किया था। सो फाइनेंशियल गारंटी मार्केट आम लोग अपने दोस्त के नाम पे साइन कर देते हैं, बट बाकी केस में लोग पैसा भी लेते हैं। अब व्हाट अबाउट इंटरनेशनल पेमेंट्स? अभी तक तो गारंटी सिंपल है, सामने वाले मेरे दोस्त ने कर्जा लिया, बैंक मैंने साइन किया एज अ गारंटर कि वो नहीं पे करेगा तो मैं पे करूंगा, ये इंडिया में आम होता है। लेकिन फिर यदि इंटरनेशनल कोई ट्रांजेक्शन हो या कोई बड़ा कर्जा हो, तो मेरा कमर्शियल बैंक गारंटी ले रहा है सामने वाले को कि तुम कर्जा दो, हम लौटा देंगे यदि नहीं लौटा पाया, इसके लिए बैंक चार्जेस भी लेंगे गारंटी देने के। बाकी केस में हम लोग जब दोस्त लोग से करवाते हैं तो वो फुकट का रहता है एज अ फ्रेंडशिप, लेकिन बैंक जब गारंटी देता है तो इसका चार्जेस रहता है। वो इंडिविजुअल कॉर्पोरेट कस्टमर का गारंटी देता है, और वो गारंटी कैसे देंगे, इतने साल का बैंकिंग रिकॉर्ड चेक करके, बैंकिंग स्टेटमेंट चेक करके पता चलता है सामने वाले का बैंकिंग ट्रांजेक्शंस कैसे है। आया समझ में? तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा जो कैपिटल मार्केट के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कैपिटल मार्केट यहाँ पे ये खत्म होता है।